पिस्टल और कारतूस के साथ पांच बदमाश चले पुलिस के हत्थे। जमीन कब्जा करने की नीयत से कुछ अपराधी इकट्ठा हुए थे। ये लोग पुलिस को देखते ही भागने लगे। हालांकि पुलिस ने दो बदमाश को पकड़ लिया, जिनके पास से एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ। इन लोगों के साथ आए तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मबीओपी पुलिस को सूचना मिली कि जमीन कब्जा करने को लेकर दो दर्जन से अधिक बदमाश इकट्ठा हुए हैं। पुलिस को देखते ही इकट्ठा हुए सभी बदमाश पैदल ही भागने लगे। पुलिस ने 15 बाइक को जब्त कर लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो दर्जन से अधिक अपराधी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। ज्ञातों के सदर और मब्बी इलाके में शहर का विस्तार हो रहा है। इस वजह से जमीन खरीद बिक्री का काम जोर शोर से लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कई भूमाफिया जमीन को कब्जा करने या जमीन मालिक को डराने धमकाने का काम कर उनसे पैसे की वसूली कर रहे हैं। इसी क्रम में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धर्मकांटा के पास इकट्ठा हो गए थे। मब्बी ओपी प्रभारी राजकुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पर कुछ अपराधी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से एकत्रित हुए हैं। तो इस गुप्त सूचना पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए छापेमारी कराई गई और छापेमारी के क्रम में कुल 7 अभियुक्तों की जो है वहां से गिरफ्तारी हुई है। और जो सामान बरामद हुए हैं उसमें से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 हथियार बरामद हुआ है और 32 राउंड जिंदा कारतूस, कुल 9 मोबाइल, एक वाईफाई हॉटस्पॉट और कुल 26 मोटरसाइकिल के अतिरिक्त एक नैनो कार जो है वो वहां से बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में गोलू उर्फ फैजान, पिता नसरुल, साकिन नाका नंबर 5 थाना लहरिया सराय, आनंद कुमार ठाकुर, पिता त्रिलोक ठाकुर थाना केवटी, मोहम्मद साजिद, पिता अब्दुल साकिन जलवारा थाना केवटी, मोहम्मद इमामुद्दीन, पेसर मोहम्मद मोतीउर रहमान थाना मब्बी ओपी, श्रवण कुमार, पिता स्वर्गीय जीवच शाह आजम नगर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से, केशव कुमार, पेसर रणधीर चौधरी मोरो थाना क्षेत्र से एवं राजीव कुमार, पिता ध्रुव यादव निहालपुर मब्बी ओपी से। इन सभी लोगों का आपराधिक इतिहास देखा गया है। तो इसमें से गोलू उर्फ फैजानपुर में भी लहरिया सराय एवं अन्य थाना से जेल जा चुके हैं एवं केशव कुमार का भी आपराधिक इतिहास जो है वो पाया गया है। इसमें से कुछ अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। किस जमीन के लिए तैयारी कर रहे थे उसे इतनी बड़ी मात्रा में? इसके लिए जो है हम लोग अभी अभिलेख का जो है सत्यापन के उपरांत जो है इसमें कुछ कहना उचित होगा। सर, 2 दर्जन से अधिक जो मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं तो क्या माना जाए कि आखिर इतने बड़े अपराध देने के लिए इकट्ठा हुए, तो क्या अभी जो स्थिति है लोगों को डर नहीं लगता है ऐसे अपराध करने में लोगों को? देखिए, क्योंकि ये हाईवे के ऊपर है, जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे तो आवागमन तो चलता रहता है, लेकिन गुप्त सूचना जो मिली थी तो सत्यापन में वो सही पाया गया है, तो आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं। इसके सरगना की गिरफ्तारी कब होगी सर? इसके लिए हम लोग कोई टाइमलाइन देना तो उचित नहीं होगा, बट हम लोग शीघ्र उसको गिरफ्तार करेंगे। क्या सर इसके जरिए बड़े भूमाफियाओं का भी खुलासा होगा? निश्चित, ये बहुत बड़ी आपकी एक कह सकते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित सर, ये हाईवे के पर बहुत दिनों से क्राइम बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए कोई रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया ताकि? इसके लिए जो बेसिक चीजें हैं कि हाईवे पे हम लोग सतत जो है गश्ती करते रहते हैं, और इसके लिए हम लोग जो पूर्व में जो जेल से बाहर छूटे हुए अपराधी हैं उस पर भी निगरानी रख रहे हैं, और इसके लिए और जो आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, फायरिंग भी हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई फायरिंग की बात तो सामने नहीं आई है, क्योंकि टीम काफी त्वरित रूप से इसमें टेक्निकल सेल के भी लोग लगे हुए थे और मब्बी और सिमरी थाना के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। तो सर, इन पर जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको क्या पुरस्कृत करने की बात? निश्चित रूप से हम लोग जो है जो निर्धारित क्राइटेरिया है उसके तहत जो है इनको पुरस्कृत। किस तरह के पिस्टल पकड़ाए हैं सर? 2 जो है पिस्टल है, 1 सिक्सर है और 2 मैगजीन के साथ जो राउंड आपको बता दिया गया, कुल 32 लाइव राउंड्स का बरामदगी हुआ है। कितने जमीन पर ये चढ़ाई कर रहे थे? अभी अभिलेख के बाद बता पाएंगे, आज तो गिरफ्तारी हुई ही है, ये अनुसंधान के क्रम में फिर आ गया है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ बाकी लोग जो है वो फरार हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार। घटना कहाँ की है सर? क्या इन लोगों का ये व्यवसाय है कि जमीन को कब्जा कीजिए